क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, लेट एम पी बी द मास ऑफ प्रोटॉन एंड एम एन बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन, M1 द मास ऑफ नियॉन न्यूक्लियस एंड M2 द मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, देन रिलेशन बताना है इनके मास में क्या होगा। M1 हमें क्या दे रखा है, M1 इक्वल टू है नियॉन 20 10, और M2 हमें दे रखा है कार्बन 40 20। ओके, तो इसको नियॉन को क्या लिख सकते हैं हम, नियॉन 10 20 है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 Mn प्लस 10 Mp। ओके, जैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ऑप्शन तो क्या करेक्ट हो जाएगा, M1 क्या है लेस देन है 10 Mn प्लस Mp। ओके, मास ऑफ M1 क्या है हमारे पास, 10 M1 प्लस Mt, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके इक्वल है 20 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा, दोनों का इक्वल आ जाएगा। अब कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 कार्बन 40, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हम क्या ले लेंगे बाहर, इसको हम लिख सकते हैं नियोन 20 और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 M1, M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 M1, क्योंकि ये हमारे पास क्या है M1 है, तो M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 M1, तो दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास करेक्ट, एक दिस वन एंड दिस वन। ओके,